गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 14 मार्च 2023 सुबह 5:30 बजे फरीदाबाद सड़क मार्ग से हमने एक नई टाटा सफारी में अपनी यात्रा शुरू की। हम लोग राजस्थान जा रहे हैं। पहला पड़ाव फरीदाबाद से लगभग 290 किलोमीटर दूर चाकसू में होगा। आज सप्तमी है और कल यानी अष्टमी को राजस्थान में लोग माता शीतला की पूजा बहुत ही धूमधाम से करते हैं। शीतला अष्टमी पर चाकसू की शील डोंगरी पर माता के मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक लखी मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु शीतला माता के दर्शनों के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। जबरदस्त भीड़ होती है, इसलिए हम लोग भीड़ से बचने के लिए आज ही माता शीतला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों, जयपुर राज दरबार की ओर से निर्मित 500 साल पुराने इस मंदिर में आज भी पहला भोग राज घराने की ओर से बनाए गए प्रसाद से ही लगाया जाता है। माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है और फिर घर का हर सदस्य उसी भोजन को ग्रहण करता है। शीतला मंदिर के बाद हम लोग और आगे राजस्थान में बूंदी जिले के इंद्रगढ़ जाएंगे। बीजासन माता के मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। यात्रा लंबी है, 8 से 10 घंटे का समय तो लगेगा ही और वीडियो भी लंबा होने की संभावना है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। वहाँ के लोकल वातावरण को देखकर लोगों को, तो चलिए चलते हैं। गुड़गांव की तरफ से कितना हैवी ट्रैफिक है। हम लोग जयपुर जा रहे हैं। माता के दर्शन के लिए वहां से आगे बूंदी, जहां बीजासन माता का मंदिर है, पहुँच कर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अभी रास्ते में टॉयलेट वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रुके हैं। अच्छा है ये ढाबा या रेस्तरां, कुछ भी कह लीजिए, 24 घंटे खुला रहता है। एकदम हाईवे के नजदीक ये गाड़ी है।
चलो चलो आपको चलो पाव भाजी खा लो। हाँ गाड़ी में खा लेंगे तो वही कर लो, पाव भाजी खा लो गाड़ी में, टाइम टाइम बचेगा। गाड़ी चलती रहेगी, खा लेंगे। हाँ पेपर वाला दे दो तो फिर कहीं छाव में लगा, जल्दी जल्दी खा रहे हैं। नहीं फिर फायदा क्या, अंदर ही बैठते फिर। एक मिनट डालने तो दे सो ना, रुकेगी। चले चले, खा लिया सबने खाना। चलो अभी क्या टाइम हुआ, टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया 10:25। 10:25 यहाँ से कितना, 2-3 घंटा चूकना जाना है? सुखदेव का खाना, देसी घी का। चाकसु राजस्थान का शीतला माता मेला, महामारी रोग जैसे खसरा, चिकन पॉक्स आदि की देवी शीतला माता को समर्पित है। यह मेला वार्षिक आधार पर हिंदू महीने चैत्र यानी मार्च से अप्रैल में कृष्ण पक्ष पर आयोजित किया जाता है। राजस्थान शीतला माता मेले का आयोजन शील की डूंगरी गांव है वहां पे किया जाता है, जो कि चाकसु से 5 किलोमीटर और जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है। डूंगरी के नाम से विख्यात इस गांव में पहाड़ी की चोटी पर शीतला माता का मंदिर स्थित है। मेले की अवधि केवल 1 या 2 दिन रहती है। माता के मंदिर में देवी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक लाल पत्थर है। किंवदंती है कि यह शीतला माता का क्रोध है जो महामारी का कारण बनता है, इसलिए माता को शांत करने और प्रसन्न करने के लिए भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं। मेले के समय अस्थाई बाजार लगता है। ग्रामीणों को विभिन्न वस्तुओं जैसे जूते, कपड़े, खाद्य पदार्थ, बर्तन, कृषि उपकरण आदि के लिए व्यापार करते देखा जाता है। मेले के दौरान आयोजित एक अन्य आकर्षण होता है पशु मेला। ये है प्रॉपर टोल।
अपने आप खुल के, अब कोई बैठा भी नहीं है। दिल्ली मेट्रो की तरह आवाज कर रही है। ये लगाओ, बेल्ट लगा लो। चंपावती नगरी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है शीतला माता का मंदिर, तो उसमें ये इधर नहीं जाना, आजू बाजू ये पुराना रोड है, वो बाईपास बाद है। इसी रोड पे ही है? नहीं, लेफ्ट साइड। क्या लेफ्ट में अंदर मुड़ कर के हम आए थे, निशाद 6 महीने की थी ना तब आए थे। अच्छा, उसके बाद अब आ रहे हो? So we're now going to the Shitla Mata temple. It's actually in the outskirts of Rajasthan. Rajasthan is actually another state that we're in. So you can see there's kind of a local fair going on. To the temple. Now we just need to see whether it's open or not. If it's closed, then we might have to wait for some time. So, and you can see this is like the offerings that we will pay to the goddess. It looks like it's in the outskirts of the state, probably a bit remote. Even I am here for the first time, I haven't seen it before. Now we are heading towards the temple. It should be close by, not very far. It's already pretty hot here. I guess it should be around maybe more than 30 degrees by now. You can see the distance. We are actually halfway through, but I guess there's a little more left to cover. And, you can see the local stuff over here. Skand पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। मम्मी आधा टाइम लगवा लेना है छन्नी।
पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वारासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन है गधा। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणु नाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता, घेंटू करण त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। देवी शीतला के पूजा स्त्रोत शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। इस तरफ आओ ना, आप रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हो? तो मैं पकड़ूंगा किससे? चलना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तुम चलो। ज्यादा चढ़ाई नहीं है, हो जाए। ज्यादा चढ़ाई नहीं है, नहीं है मेरे लिए तो। धीरे धीरे कर लो, चलो तो रेस्ट। चलना मेरे लिए मुश्किल है। जय हो बाबू जी। हर बीमारी हर परेशानी दूर करे जगदम्बा, जो दिल की लगन है वो पूरी करे। सच्ची कमाई सच्ची भक्ति में आए मिलती है जगदम्बा। जीवन की रक्षा कर दे की भंडार भरपूर। जय भवानी राजी हो प्यारे भारत। कर्जा में आपको उदासी मत ले जा, उदासी नहीं ले जा। दिल की चमक ले जा शरीर पे, जो प्रभु की चमक लेके जाओ बेटा। माता महान माई के आए हो, हसी खुशी से जाओ बेटा। जाओ तो दूर है, एक एक स्टेप करके चढ़ता रहो धीरे धीरे। कैमरा ऑफ कर दूर कहाँ तक कितना मेरे से हो पा रहा कर रहा हूँ। तुम लोग ये आए हो ना, इट्स अ स्टीप steep climb. Now we are almost at the temple. It's goddess Shitala Ma. ठंडी पेड़ी माता जी की ठंडी पेड़ी। ये
I'll show you this. You can see there is a good view from here. See the view. चलो लियो जी भाई साहब आशा तो उन्हीं बाहर ही डालना जो हो वह हानी प्रसाद दे दीजिए मान खेले लो इसको पॉज करो बोलो जल जल चढ़ाओ छोड़ो कर लो कर रहा है ना जो लगा दिया चाचा ने शाम ले रहा हूँ लो आप चल रहा है रिकॉर्ड चढ़ा दू सर दो छोड़ ना पैसे चढ़ा दे क्या हुआ ऐसी तो
बच्चे लो भाई छोड़ दो माता का दर हट रहे चलो हो गया ये लो। Now we are currently at the top of the temple. So here are some policemen who are resting, and it looks like a resting area for everyone. Now we are at the top of the temple, so we just came to see how the view is from here. The wind is still a little cold over here, like it's good for a spring, but if you come next month in April, it will be too hot to come. This is my family, he's my kid. Crazy one and crazy her. So now we have visited Maa Sheetla temple. This is my father giving some offering to the temple. ये कहाँ से है? फरीदाबाद हरियाणा है। नहीं बोलो मत यार, बोलो मत। नहीं बोलो। मुफ्त दान 101 रुपए, माता जी के विकास के लिए धन्यवाद। 501 रुपए गुप्त दान माता जी के विकास के लिए, कामकाज के लिए, निर्माण के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो लिखे 100 रुपए बोला। हाँ सो की है रसीद। हाँ ये एक रसीद सो की है। हाँ वो 500 मत बोलो। 500 तो इनके हैं वो। ले जी 84। एक मिनट में लिख लू इसमें। हाँ लिख लो। बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, दर्शन हो गए आपके। कल तो काफी भीड़ रहती। अच्छा कल मतलब आने वाला कल लक्ष्मी है ना? ओह कल है, कल बहुत टाइम नहीं मिलता। धक्का है। चलो अच्छा है। They actually announced how much you've donated to the temple. 500. 505. How much did Papa give? 500. 505. 505. This is 5. We put it in the petty. This is it. We will go in this. Say the name. अब आप चलो, मैं अपनी चाल से आऊंगा। बहुत तकलीफ। नहीं कोई साथ रहो ना, आप साथ रह लो। ये लो जाओ, तुम आता रहूंगा मैं। भोग तो दे दे। दो
रोक दो। क्या मैं भी करता हूँ? पापा ने कितने दिए? 100 दिए? 101 दिए। अब रहना तो कोई नहीं। मैं एक सौ एक आप मेरे पे लिखते हैं। हाँ चाहिए। नाउ वी आर डन फ्रॉम हियर। नाउ we'll head towards our next destination. Can you see there's far away there is a lake? I can see a lake. So now उधर आगे में वो कोई झील है क्या? उधर उधर में कहीं एक झील दिख रही है। वो देखो ना सामने वो सागर जैसा दिख रहा है। हाँ झील दिख रही है। इतना तो गीला कर रखा है, लपट के पड़ जाते हैं हाथ। चलो आ रहे हैं।